सो गाइस, अगर रियल मी 7 डिवाइस के अपडेट के बारे में बात करी जाए तो अभी के लिए इस डिवाइस के लिए रियल मी UI 2.0 का अपडेट बीटा टेस्टिंग स्टेज में है। वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी मैनुअली आपको 2.0 का अपडेट कैसे इंस्टॉल करना है। काफ़ी सारे यूजर्स ने डाउनलोड करके फाइल को अपने डिवाइस में 2.0 का अपडेट तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन दोस्तों अभी भी 95% से ज़्यादा यूजर्स ऐसे हैं जिनके डिवाइस में अभी भी रियल मी UI 1.0 का अपडेट इंस्टॉल्ड है। फिलहाल के लिए मेरे डिवाइस में 2.0 का अपडेट इंस्टॉल्ड है, लेकिन दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि Realme रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम मेजोरिटी के डिवाइसेज में Realme UI 1.0 का अपडेट इंस्टॉल्ड है। तो जब तक दोस्तों Realme UI 2.0 की बीटा टेस्टिंग चल रही है तो ऐसे में दोस्तों जो नॉर्मल अपडेट्स हैं वो रेगुलर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी के डिवाइसेज में 1.0 का अपडेट इंस्टॉल्ड है। एंड फाइनली दोस्तों 8.83 फरवरी मंथ का अपडेट Realme 7 डिवाइस के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। 267 MB इस अपडेट का साइज़ है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम Realme 7 डिवाइस के 8.83 फरवरी मंथ के अपडेट के बारे में बात करेंगे। अपडेट के बाद डिवाइस में क्या कुछ चेंजेस आपको मिल जाते हैं, कौन कौन से बग्स को फिक्स किया गया है और फाइनली Realme UI 2.0 का फाइनल स्टेबल अपडेट कब तक रोल आउट होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, साथ में चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि Realme 7 डिवाइस में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों Realme 7 डिवाइस में Realme UI 2.0 का अपडेट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो अगर आपको जानना है कि Realme UI 2.0 के अपडेट में कौन से हिडन फीचर्स आपको मिलते हैं तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके डिवाइस में 8.75 का अपडेट इंस्टॉल्ड है तो 8.75 के जो यूजर्स हैं वो अपने डिवाइस में Realme UI 2.0 का अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैनुअल प्रोसेस का लिंक है। अगर आपके डिवाइस में 8.75 अपडेट इंस्टॉल्ड है तभी आप अपने डिवाइस में 2.0 को मैनुअली फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड डिटेल्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको Realme 7 डिवाइस के लिए बढ़िया क्वालिटी के गुड लुकिंग एंड ड्यूरेबल परफेक्ट फिटिंग के साथ बैकवर परचेज करने हैं, कैमरा प्रोटेक्शन भी आपको मिलते हैं, डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास भी परचेज करने हैं तो उनकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करी जाए Realme UI 1.0 के नॉर्मल अपडेट के बारे में तो सबसे पहले अपडेट का फुल वर्जन आप देख सकते हैं, RMX 2151_11_A.83 का ये अपडेट आपको मिलता है। लास्ट अपडेट था 8.75 का। तो जिनके डिवाइस में Realme UI 1.0 इंस्टॉल्ड है तो लास्ट अपडेट 8.75 का था, उसके बाद अभी 8.83 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके बाद दोस्तों उम्मीद करते हैं इसका जो फाइनल स्टेबल अपडेट है, बताया गया कि अप्रैल के मंथ तक या फिर मार्च के एंड तक यहाँ पर आपको रोल आउट देखने को मिल सकता है सभी यूजर्स के लिए। लेकिन अगर आप अभी के अभी अपने डिवाइस में Realme UI 2.0 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैनुअल प्रोसेस मैंने आपको बताई है, तो फाइल को डाउनलोड करना है। लेकिन दोस्तों आपके डिवाइस में 8.75 का ही अपडेट इंस्टॉल होना चाहिए तभी आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा अपडेट इंस्टॉल्ड है तो फिर आप बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, आपका डिवाइस ब्रिक हो सकता है। एंड अपडेट का साइज़ आप देख सकते हैं, 267 MB का ये अपडेट आपको मिल जाता है। अपडेट का चेंज लॉग आप देख सकते हैं, लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है, फरवरी का अपडेट है लेकिन जनवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं चेंज लॉग के अंदर कैमरा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, ऑप्टिमाइज़ किया गया है फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है, जो नॉइस रहती है, इमेज क्वालिटी उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है, तो सेल्फी कैमरा को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ किया गया है, फिक्स किया गया है। जो कैमरा में क्रैशिंग इशू था, अगर आप फास्ट शूट करते हैं, मान लो दोस्तों अगर आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अगर आप जल्दी जल्दी कोई भी फोटो या वीडियो कैप्चर करने का ट्राई करते हैं तो कभी कभार कैमरा एप्लीकेशन आपकी क्रैश हो जाती है, तो ये इशू था अगर आपके डिवाइस में, तो फाइनली फिक्स हो चुका है। और दोस्तों 8.83 Realme UI 1.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी सारे यूजर्स ने अपने डिवाइस में कुछ बग्स को नोटिस किया है, जैसे पहले की तरह स्क्रॉलिंग इशू आपको मिलता है, स्क्रीन फ्लिकर इशू है, टच रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा सही नहीं है एंड जो कैमरा परफॉर्मेंस है बैक कैमरा की वो भी इतनी ज़्यादा सही नहीं है। तो कुछ यूजर्स ने अपने डिवाइस में अपडेट को इंस्टॉल किया, उनका जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बताया है। अगर आपके डिवाइस में भी ये बग्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों हमेशा की तरह यहाँ पर चेंज लॉग में जो बग फिक्सेस हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है, देखते हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर फिक्स किया गया है सम नोन इशूज़ एंड इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ सम ऐप्स एंड गेम्स। तो दोस्तों सिस्टम के अंदर जो ऐप्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग परफॉर्मेंस है, अगर आप एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो उनकी जो फ्लुएंसी है उनको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और मेरे डिवाइस में ऑलरेडी Realme UI 2.0 इंस्टॉल्ड है
तो उसके बाद आप देख सकते हैं एंटू टू बेंच मार्क स्कोर 290,000 के अप्रोक्स आपको मिलता है मीडिया टेक हीलियो G95 के चिपसेट के साथ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिक्स किया गया है, फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू डेट द माउस आइकन इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द होरिजेंटल स्क्रीन आफ्टर OTG इज कनेक्टेड टू द माउस। तो दोस्तों होरिजेंटल स्क्रीन में जब आप OTG के हेल्प से कोई माउस कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस के साथ, तो वहाँ पर जो आइकन है कर्सर है वो आपको शो नहीं करता है अगर आप यूज़ करते हैं ये ऑप्शन को। मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। अगर आप यूज़ करते हैं तो फाइनली ये बग फिक्स हो चुका है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये बग आपके डिवाइस में फ़िक्स हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों इस अपडेट में यही कुछ चेंजेस आपको मिल जाते हैं। अगर आपको Realme UI 2.0 के फीचर्स के बारे में जानना है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बैक कवर अगर आपको परचेज करना है एंड मैनुअली अपने डिवाइस में Realme UI 2.0 को इंस्टॉल करना है, लेकिन आपका डिवाइस 8.75 पे इंस्टॉल होना चाहिए तभी आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।